अरे नुबड़ो कहाँ रह गए, जल्दी करो, लेट हो रहा है स्कूल के लिए, वरना मैं जा रहा हूँ कार लेके, फिर तुम आना साइकिल में। अरे बाबू मोसाई आ गए, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो सौकुरी घर के बाहर भी नहीं निकली होगी। अरे नुबड़े आगे आगे कहाँ भाग रहा है, आगे की सीट में तो मैं ही बैठूंगा, क्योंकि बॉस लोग सिर्फ आगे ही बैठते हैं। ठीक है सर, मैं पीछे बैठता हूँ, और कुछ नहीं? नहीं तो सड़ो ड्राइवर, अब जाने दो। अबे साले औकात मेरे, वरना उतार दूंगा कार से। वैसे चाचा आप स्कूल जाकर पढ़ते तो हो नहीं, तो फिर आपको इतनी जल्दी क्यों होती है स्कूल पहुंचने की? सकुरी का चक्कर बाबू मोसाई, सकुरी का चक्कर। अरे नुबड़ो तुम ऐसा उल्टा सीधा ही सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है शाशा, तो फिर राखी बंधवा लेना सकुरी से। अबे नुबड़े मैं क्यों बंधवाऊँ, तू बंधवाना। वैसे क्रिमिनल तूने आज का होमवर्क किया किया? अबे सर मिस्टर रेड क्रिमिनल जी कभी होमवर्क नहीं करते, समझा नुबड़े? मैंने तो होमवर्क किया है, आज तुम लोग पक्का पीटोगे सर के हाथों। सुनो बच्चे लोग, मेरे को पिन ड्रॉप साइलेंस मांगता क्लास में, समझे? वरना सर को कंप्लेन कर दूंगा। हाँ भैया जी, जैसा आप कहो। चलो अच्छा है, आज तो हम टाइम से स्कूल पहुँच गए। हाँ शाशा, बस मुझे सुबह सुबह उस खड़ूस मॉनिटर का सेहरा नहीं देखना है, फिर पूरा दिन मनुष्य जाता है। अबे ये देखो भाई लोग, ये तो थ्री इडियट्स आ गए। अरे टट्टेरी की, ये मनुष्य तो सारा सामने ही खड़ा है, गलती से भी इसका मुँह देख लिया तो पूरा दिन बकवास जाएगा। इससे अच्छा मैं दीवार की ओर मुँह करके देखता हूँ। अबे लाल टमाटर दीवार की ओर क्यों देखता है, मेरे से डरता है क्या? अरे वो सर के शमशेर, डरता तो मैं तेरे सर से भी नहीं, नाम है मेरा रेड क्रिमिनल। अरे बच्चों सुबह सुबह के ड्रामा लगा रखा है भाई। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे सकुरी तूने सर का होमवर्क किया क्या? अरे नहीं मैं तो भूल गई। तो चलो बच्चों, आज हम सीखने वाले से जंप हेड शॉट कैसे लगाए। सब लोग अपनी गन और 2x स्कोप निकाल लो। अरे सर वो कल जो आपने होमवर्क दिया था वो चेक नहीं किया? अरे हाँ मेरे बेटे, मेरा मतलब है कि मॉनिटर, मैं तो भूल ही गया, जा सबका होमवर्क चेक कर ले। ठीक है सर, मैं पीछे से शुरू करता हूँ सबका होमवर्क चेक करना। चल रेड क्रिमिनल होमवर्क निकाल। अबे यार मैं ही दिखा था क्या तेरे को पहले? सुनना यार मैं नहीं किया हूँ होमवर्क, बसा लेना मेरे को, तू तो मेरा भाई है ना। सर रेड क्रिमिनल ने होमवर्क नहीं किया और ऊपर से बोल रहा है क्रिमिनल कभी होमवर्क नहीं करते। अरे होमवर्क नहीं किया तो चल क्लास के बाहर चला जा नूबड़ी के। सर हो गया होमवर्क चेक, रेड क्रिमिनल के अलावा बाकी सब ने किया है, बहुत उछल रहा है ना सर, अभी उसको बताता है मैं। प्रिंसिपल मैडम मैं आई कमिन। यस कमिन कमिन कमिन, बोलो क्या हुआ? मैडम वो हमारा साइंस का सर बहुत अनफेयर है, उसका कुछ इलाज कर दो। क्रिमिनल पूरी दुनिया ही अनफेयर है, कुछ नहीं हो सकता। मैडम वो सर मेरे को रोज क्लास से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती है, मेरे फ्यूचर का सवाल है, प्लीज हेल्प मी। ठीक है क्रिमिनल, पर तेरी मदद करने में मेरा क्या फायदा? प्रिंसिपल मैडम जी आपके घर पे 2 खोके बिमल के भिजवा दूंगा। मंजूर है, तेरा काम हो जाएगा बिमल। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ऐसे ही स्कूल लाइफ के वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना। तो बच्चों आपको स्कोप ओपन करके जंप लगाना से, तभी हेडशॉट लगेगा। अरे ये लोग एनिमी के सामने गन भी नहीं पकड़ सकते, ये क्या हेडशॉट मारेंगे? अरे नुबड़े तू किससे पूछ के क्लास में आया, निकल बाहर। अरे सर थोड़ा तमीज से बात करो, आप मेरे को जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छा भाई कौन से तू? आपको 2 मिनट में दिल्ली से फोन आएगा, तभी आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ। अरे किस नुबड़े का फोन बज रहा है? अरे मेरा बज रहा से भाई। हाँ प्रिंसिपल मैडम बोलिए। मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है, यू आर फायर्ड। अरे मगर क्यों मैडम? बोला ना तुझे, चला जा नुबड़ी के। देखा सासा मेरी पहुंच कहाँ तक है? हाँ देख लिया, बहुत ऊंची है तेरी पहुंच। अरे बच्चों तुम लोगों का पुराना साइंस टीचर चला गया है, इसलिए अब से मैं हूँ तुम्हारा नया सर, समझ गए बुड़बक? और ये नया सर तो बहुत डेंजर लग रहा है, हमारे पुराने सर ही अच्छे थे इसे तो। अरे ये पिछले बेंच में कौन बैठा है कच्चे वाला बालक, खड़ा हो जरा, का नाम है तेरा? सर मेरा नाम आदम है, प्यार से मुझे लोग आदम चाचा बुलाते हैं। सुन लो सभी बच्चा लोग, मेरे क्लास में ऐसा कच्चा बनियान पहन के नहीं आना, ठीक है? सभी लोगों को प्रो बंडल पहन के आना है, समझा आदम? मुझे मेरे क्लास में औकात वाले बंदे चाहिए। सर आप औकात की बात मत करो, ये तो मुझे शो ऑफ नहीं पसंद, वरना अगर मैं अपनी औकात पे आ गया तो आपका खानदान खरीद लूंगा। अरे ये तो डेंजर बच्चा है। सुन बेटा अभी बैठ जा, मैं तुझे बाद में देख लूंगा। और यार सर ये नुबड़ा एक नंबर का कंजूस है। अरे ओ नुबड़े
जब डायनासोर बोल रहे हो तब बैल को बीच में सिंह नहीं घुसाने चाहिए। अरे ये तो लंच ब्रेक हो गया, चलो कोई नहीं आदम, मैं तुझे देखता हूँ ब्रेक के बाद। अरे ये सर तो मुझे धमकी दे रहा है। कोई नहीं सासा, इसे तो मैं और इपू देख लेंगे। ओए चल लंच करने जाते हैं। ओए तू जा, मुझे भूख नहीं है, सर का घूसा खा के मेरी भूख मिट गई। अरे कोई है, बसाओ मेरे को, बसाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, बसाओ, हेल्प मी। अरे लगता है कोई ससुरा इस ट्रक में फंस गया है, रुको अभी आता हूँ तुमको बचाने। ससुरा ऐसे कैसे फंस गए तू मंडर? अरे सर आपको फंसाने के लिए ही तो मैं अंदर फंस गया था। अरे ये क्या हुआ ससुरा, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? चलो सर बाहर, आशा करता हूँ कि हम कभी नहीं मिलेंगे। अरे हेल्प, कोई मदद करो मेरी, हेल्प। बाबू मोसा ये ट्रक साउंड प्रूफ है, बाहर तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा। अरे सर कहाँ गए, बोल रहे थे मुझे ब्रेक के बाद देख लेंगे। सासा सर और इपू लॉन्ग ड्राइव पे गए है। अरे ससुरा तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ठीक है बाबू मोसाई, तुम इतना बोल रहे हो तो तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर शायद मेरे आदमी लोग तुम्हें ना छोड़े। अरे थैंक यू भाई मुझे छोड़ने के लिए, वैसे ये कौन सी जगह है? बाबू मोसा ये अल्टीमेट हिप हॉप का अड्डा है, हैव फन। सुन नुबड़े, हम तीन तक गिनेंगे, भागना है तो भाग जा, वरना हम नहीं हमारी गोलियां तेरे से बातें करेंगी। अरे अरे भाई साहब जाता है ना, जाता है मैं। 1, 2, 4 उस्ताद 3 आता है। अरे भागो, ये लोग तो मेरे को पागल लगते है। हम भी देखते हैं तू कहां तक भागेगा। क्रिमिनल क्या बात है, आज तो तू बहुत खुश लग रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है बैठे बैठे? अरे कुछ नहीं सासा, ये तो मेरा चेहरा ही गड़ीना डीडी ने वैसा बनाया है, मैं हमेशा खुशी लगता हूँ। अरे क्रिमिनल अब तक तो सर का काम तमाम हो गया होगा। हो। अबे नुबड़े आदम सासा ने सुन लिया, और सासा कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे है। अबे साले मैं यहाँ हूँ दरवाजे के पीछे, और सर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। अरे सासा अब जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसे। यस चाचा रिलैक्स, और मुझे भी रिलैक्स होने दो, अब थोड़ी इंस्टाग्राम पर रील्स देख लेता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। अरे दादा ये क्या, क्रिमिनल ये देख मॉनिटर ने तो तुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके तेरी स्टोरी डाली है। अरे क्या डाला है साले ने, दिखा तो मेरे को। ए जी सीधे सीधे जा रहे थे, अब हमें फिर से राह मोड़नी पड़ेगी। ए जी सीधे सीधे जा रहे थे जनाब, अब हमें फिर से राह मोड़नी पड़ेगी। लगता है बेटा तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब हमें फिर से अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। अरे इसकी औकात मेरी झूठी बराबर भी नहीं है, इग्नोर मारो साड़े को। चलो सासा अब हम एक लॉन्ग लड़ाई पे सड़ते हैं। हाँ बाबू मोसा ये कुत्ते सिर्फ भोंकते हैं, काटते नहीं है। क्रिमिनल तो मेरी स्टोरी देख के डर गया होगा। और ये देख क्रिमिनल ने तो एक स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पे आदम और रिपू को टैग करके। एक काम कर बेल, अब तू भी एक स्टोरी लगा उन नूबड़ों को टैग करके। अरे कुछ भी कहो, 5-स्टार बक्स की कॉफी इतनी भी अच्छी नहीं होती, बस स्टोरी लगा के हम रीच होने का दिखावा कर सकते हैं। हाँ सासा एक मिनट, ये किसकी नोटिफिकेशन आई? अबे ये बेल ने तो फिर से स्टोरी लगाई मेरे को टैग करके। जनाब सामने से वार होगा, पीठ नहीं दिखाएंगे तुमको। कि जनाब सामने से वार होगा, पीठ नहीं दिखाएंगे तुमको। कुछ दिन और फुदक ले, तेरे घर में आकर उड़ाएंगे तुमको। सासा इस नुबड़े का बहुत हो गया, अब इसको औकात दिखानी ही पड़ेगी। सारा इन लोग को हम इग्नोर मारते हैं तो ये हमें बुद्धू समझने लगे। मुझे सोशल मीडिया लफड़ा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यारे बेल क्या बोल रहा था तू मेरे को? ओए नहीं ओए कुछ नहीं ओए, वैसे आप यहाँ क्यों आए भैया? अरे स्टोरी में तो तू बहुत उछल रहा था, अब मैं सामने खड़ा हूँ तो तेरी हवा निकल गई। और स्टोरी तो मैंने गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए लगाई थी, उनको बैड बॉयज पसंद है ना? हाँ वो तो मुझे पता ही है, तुम लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए स्टोरी डाल के हमें निशा दिखाने की कोशिश करते हो। अरे क्रिमिनल जी आप तो बहुत समझदार आदमी हो, हमें छोटा समझकर हमको माफ कर दीजिए। नहीं यार अब तो मेरा ईगो हर्ट हो गया, हम लोग सोशल मीडिया पे शो ऑफ नहीं करते तो तुम लोग क्या हमें फुद्दू समझते हो? हाँ बाबू मोसा ऐसा ही कहा, इन लोग को हमें मजबूरी में औकात दिखानी पड़ती है, वरना तो ये लोग हमारे सर पे नाचने लग जाते हैं। तू सारे स्टोरी में ये बोल रहा था ना कि तू मेरे को घर में घुस के उड़ाएगा, मैं तेरी तरह स्टोरी तो नहीं लगा था, पर अब तेरे को तेरे घर में घुस के मारूंगा। बाबू मोसा ये ले वन टैप खा और लॉबी में जा।